असलम जी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे अच्छा मुझे इस वी, मैंने ये वीडियो बनाई है इसमें एक नई स्ट्रेटजी है मैंने यूज़ नहीं की आ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को, को रिकमेंड करता हूँ कि एज़ ए टेस्ट के तौर पर आप इस चीज़ को यूज़ करें और इन अच्छा फ़ायदा होगा इससे भी आप लोगों को बायर्स मिलेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ मैं न, जो मेरे ट्रेनिंग ग्रुप के हैं ठीक है ग्रुप एट नाइन और टेंथ वाले वो जो है ना उनको मैंने एक वाट्सप की और डिस्कॉर्ड की टेक्निक बताई थी ठीक है ना तो मैं अब ये चाहूंगा कि आप वाट्सएप और डिस्कॉर्ड को अगर करना चाहते हैं तो करें ठीक है वरना उसको फ़िलहाल छोड़ दें ठीक है आप लोग सिर्फ फेसबुक और इंस्टा पर फोकस करें डिस्कॉर्ड और व्हाट्सअप अगर आप करना चाहते हैं पार्ट टाइम करते रहें अगर आपको कुछ पोटेंशल नज़र आता है अगर आपका दिल उससे मुतमयन है तो ठीक है अदरवाइज़ उसको छोड़ दें फेसबुक और इंस्टा पर करें वहाँ से आपको बहुत बायर्स मिलेंगे और दूसरी बात यह है कि आपको अगेन में यही कहूँगा आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो तब ही आप लोगों का फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा मैं अवेलेबल हूँ मैं ट्वेंटी फोर हावर्स अवेलेबल हूँ आप जब मैसेज करेंगे ना तो हाँ अगर मैं कोई ट्रैवल ना कर रहा हुआ तो आप जब भी मैसेज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह विद इन एक और आपको जवाब मिल जाएगा वैसे मुझे मैसेजेस बहुत आते हैं लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी सबको आंसर करूं और मेरा आंसर वॉइस में ही होता है ठीक है मैं लिख शेक नहीं सकता ठीक है ना क्योंकि लिखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब इतना ज़्यादा लिखना मेरे लिए अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं आपको व्हाट्सएप और डिस्कॉड से फ़िलहाल के लिए क्यों मना कर रहा हूँ व्हाट्सएप से इसलिए मना कर रहा हूँ कि वहाँ पे बायर की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती वहाँ पे सिर्फ नंबर होता है पता नहीं होता ये बायर रियल है फेक है क्योंकि आजकल तो फेक यूएसए के नंबर्स भी मिल जाते हैं और डिस्कॉर्ड इसलिए मना कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कि वो बहुत एक, एक एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ है क्योंकि डिस्कॉर्ड पे अगर आपने ज़रा सी भी पॉलिसी क्योंकि अभी आप लोगों को काम का नहीं पता ज़रा सी भी पॉलिसी आगे पीछे आपने की वहाँ उनको फॉलो नहीं किया वो आपको किकआउट कर देंगे अपने सर्वर से तो आप लोग बैन हो जाओगे ठीक है तो मैं इसलिए डिस्कॉर्ड से फ़िलहाल मना कर और दूसरी बात ये डिस्कॉर्ड हर एक बंदा यूज़ नहीं करता बट टेक्निकल है लोगों को बड़ी मुश्किल आ रही हैं परमिशनस लेने में तो वो लोग आप टाइम के साथ ख़ुद सीख जाएंगे उस चीज़ को ठीक है अच्छा जो ये मेथड है ये मेथड मैंने न्यू, न्यू सोचा है वैसे ये मेथड आप इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई कर सकते हो और यही सेम मेथड आप फेसबुक पे भी, भी अप्लाई कर सकते हो मुझे कुछ पेजेस शो शो हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट के क्योंकि फेसबुक का है कि आप लोग जो चीज़ें देखते हो वही आपको फिर वो शो करवाना स्टार्ट कर देता है तो मुझे कुछ पेजेस शो हो रहे थे तो उनको मैंने सेव कर लिया था ठीक है अब जैसे कि ये एक पेज है इसकी एक पोस्ट हुई है तो चार दिन पहले और उस पर आप ये लाइक्स थे कि दस लाइक्स हैं और कमेंट्स जो थे वो तकरीब मतलब लाख के करीब कमेंट थे ठीक है और ये लाख के करीब इनके कमेंट्स थे और सारे मैंने जहाँ तक देखे हैं नहीं ये कमेंट्स में लोग ये सारे यू एस ए के हैं ठीक है तकरीबन जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ मैं पहले इसको देख लेता हूँ ठीक है तो इसका अबाउट में मैं जाता हूँ हाँ यूनाइट अच्छा सॉरी अच्छा कैलिफोर्निया एजुकेशन यूज़ की कैलिफोर्निया से है तो यहीं से पता चल गया कि और इसके चेक्स इन भी कैलिफोर्निया के हुए हैं और ये रियल है सारे इसमें मज़े की बात है फ़ेक वाला चक्कर ही नहीं ये सब रियल है इनको आप आंखें बंद करके मैसेज करें रिक्वेस्ट भेजें ठीक है इनसे बात करें ये सब रियल है ठीक है ये लोग तो एक तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो ठीक है दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैं और नीचे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जी इस प्रोफाइल को देख लेते हैं जी वाशिंगटन ठीक है ये भी यूएसए एस है आप इनको कर सकते हैं अप्रोच और दूसरी बात यह जो इन्होंने कमेंट किया इनका क्या कसूर है ये भी तो यू के हैं ठीक है आप मैं इसको देख लेता हूँ ठीक है ना ये लोग भी यू के हैं इनको भी आप अप्रोच आ, कर सकते हैं ठीक है इनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं ठीक है इनको अप्रोच कर सकते हैं मजे की बात है इसके फ्रेंड्स भी शो हो रहे हैं अब इनकी क्या गलती है ये लोग भी तो यू के हैं ना आप इनको अप्रोच करें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चला गया जी एस आई में ठीक हो गया जी अच्छा ये तो ख़ुद तो यू एस ए की है ही है साथ में इन लोगों का क्या कसूर है ये इसके जो फ्रेंड्स हैं ठीक है अब आपने एक्स्ट्रा सोचना है ठीक है आउट ऑफ द वे जाना है क्योंकि जो काम मैं पहले आपको बता रहा हूँ वो हर बंदा कर रहा है अच्छा मैं इस आई डी को देख लेता हूँ ठीक है ये ख़ुद भी कैलिफोर्निया की है तो फिर इन लोगों का क्या कसूर है ठीक है ना मैं उसके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में चला गया इसकी मैं आईडी देखता हूँ जी इसको मैं अप्रोच भी करता हूँ अच्छा इसने फ्रेंड नहीं शो कराया हमें ब्रेक लग गई यहीं भी ठीक है लेकिन हम इसके कमेंट्स में जो लोग आए हुए हैं हम इन्हें तो अप्रोच कर ही सकते हैं ठीक है अब आप लोगों ने इसी तरह पेजेस में ढूंढना है ठीक है ना कि कौन यू एस ए का है कौन कहाँ का है ठीक है आप पेजेस में इसी तरह ये कुछ पेजेस मेरे पास तीन चार हैं मैं शेयर कर दूंगा उस पर लाखों के कमेंट्स हैं आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो ठीक है ना तो इन्हीं पेजेस में जा जा के आप आ, इनको जो है ना अप्रोच भी कर सकते हो दूसरी बात यह है कि इनको आप मैसेज भी कर सकते हो ठीक है बहुत लोग हैं यहाँ पर ये बहुत सारे हैं यार इतने ज़्यादा हैं कि सोच से भी ज़्यादा हैं ठीक है आप इनको मैसेज कर सकते हो इनके फ्रेंड्स को फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हो ठीक है इनके आगे से जो फ्रेंड्स आ रहे हैं उनको आप मैसेज कर सकते हो जैसे कि अब ये है इसके पचास कमेंट्स आए हुए हैं नौ घंटे पहले की पोस्ट है ठीक है देखें और इसने पचास कमेंट्स किए हुए इधर पचास कमेंट्स आए हुए हैं आप इनको मैसेज कर सकते हो इनके थोड़े से कमेंट्स पढ़ के देख सकते हैं कि यार ये किस चीज़ में अब जैसे कि ये एक फ़ीमेल है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ीमेल है मुझे पता है अगर ये फ़ीमेल है तो ये किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगी या तो ये बच्चों के टॉयज़ में इंटरेस्टेड होगी या फिर ये क्या कहते हैं होम एंड किचन से रिलेटेड स्टफ़ में इंटरेस्टेड होगी इन इसको मैसेज करो इसको बोलो मेरे पास होम एंड किचन की चीज़ें हैं मेरे पास तीन चार पिक्चर भेज दो उनको बोलो मुझे रिव्यू चाहिए रिटर्न में प्रोडक्ट आपकी फ़्री ऑफ कॉस्ट तो ये लोग आपसे लेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सौ बंदों को अप्रोच करो और सो के सो आपको बोलें कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ठीक है लेंगे लेकिन आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा अब जैसे कि मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ ठीक है इसी तरह आप भी सोचें आप किसी ग्रुप में घुस जाए वहाँ पर देखें कुछ ऐसे आपको नज़र आता है आप किसी ऐसे पाकिस्तानी को जानते हैं जो कि आपका म्यूचुअल फ्रेंड है ठीक है आप उस पाकिस्तानी के आईडी में घुसें और वहाँ पर उसका कोई बंदा यूएसए में है उसको अप्रोच करें आप इर्द गिर्द के फ्रेंड से पूछें यार आपका कोई बंदा यू एस ए में है ठीक है अर्निंग करना कोई आसान काम नहीं है बाज़ार ये आपको आसान काम लग रहा है लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो आप तीन दिन दस दिन पंद्रह दिन बैर नहीं मिलेगा आप कहोगे यार इससे तो मुश्किल कोई काम ही नहीं है लेकिन है, मैं एक चीज़ बताऊं अगर आप किसी को फ्री प्रोडक्ट नहीं बेच सकते ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो फ्री प्रोडक्ट बेचें अगले को ठीक है आजकल लोग पैसों वाली बेच देते हैं ईजीली तो फ्री तो बेचना बहुत ही आसान है ठीक है ना और फ्री अगले को आपकी सारी कन्वर्सेशन तक है और दूसरी बात यह बायर ढूंढने की टेक्निक तक है ठीक है जैसे कि मैं इस अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पर इसकी भी सिक्सटी फाइव फ्रेंड्स हैं क्या ख़्याल है कोई भी नहीं लेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये लोग तैयार बैठे हैं लेने के लिए कि यार किस टाइम हमें कोई फ्री चीज़ ऑफ़र करे और हम उसको ख़रीदें ठीक है मैं इसकी आईडी में चला जाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर इसके भी कमेंट्स वगैरह नहीं है खैर लेकिन एटलीस्ट मैसेज देख लेगा ठीक है आप पाकिस्तानी ऐसे पेजेस देखें जहाँ पर यूएसए के लोग कमेंट्स करते हैं आप उनको अप्रोच करें पाकिस्तानी जो है मैसेजेस जल्दी देख लेते हैं जैसे न्यूज़ की पाकिस्तानी न्यूज़ जियो न्यूज़ के पेज पे जाएं लाजमी बात है किसी ओवरसीज़ ने कमेंट किया होगा इमरान ख़ान के पेज पे जाएं लाजमी बात है किसी ओवरसीज़ बंदे ने आ, कमेंट किया होगा ठीक है यही सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी ठीक है और यही सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी ठीक है आप पाकिस्तान वहाँ ट्विटर पे जाएँ हाँ ट्विटर पे जाएँ वहाँ ट्विटर पे तो मतलब उधर जा कर देखें तो मतलब हर बंदा जो वो बैठा हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट गया अब इमरान ख़ान की ये पोस्ट है इसके कमेंट में गए तो यहाँ पर देखिए ढूंढने से मिलेगा लेकिन बिलीव मी आपको एक बंदा यहाँ से मिल गया ना एक बंदा ठीक है और वो एक बंदा आपको रिप्लाई भी करेगा और आपसे चीज़ लेगा भी और अगर पाकिस्तानी निकल आया ठीक है और अगर वो पाकिस्तानी निकल आया तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा ठीक है वो इतना आपको सपोर्ट करेगा आपकी सोच है मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं उनको यूके में पाकिस्तानी लोग मिल गए ठीक है तो पाकिस्तानी एक बंदा मिला है तो उसने अपनी पूरी फैमिली को भी ऐड करवाया और वो कह रहा है मेरे पास डेली बेसिस पे सर दो दो बंदे आ रहे हैं तीन तीन बंदे आ रहे हैं ठीक है ना तो ये इज़ी है आप कोई ऐसा कोई ऐसा यूट्यूबर देख लें जी सॉरी पास करनी पड़ गई थी वीडियो अब जैसे मैं इमरान खान के इस पोस्ट पर आया हूँ यहाँ पर कोई ऐसी पोस्ट ढूँढे इमरान खान के पेज पर जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है ठीक है कोई उसने अनाउंस किया ओवरसीज़ की दी तो वहाँ पर बाहर के लोग बहुत कमेंट करते हैं ठीक हो गया आप किसी ऐसे पेज न्यूज़ के ऐसे पेज पे जाएं जो ख़बरें हैं बाहर मुल्क से रिलेटेड ठीक है तो वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत कमेंट करते हैं किसी बाहर मुल्क के ऐसे चैनल पर जाएं जो न्यूज़ है मुस्लिम से रिलेटेड या इंडियन से रिलेटेड तो वहाँ पे आउटसाइडर्स कंट्रीज़ के इंडियंस बहुत कमेंट करते हैं इंडियंस भी बहुत कॉपरेटिव होंगे आपके लिए अगर आप उनको अप्रोच करोगे और वो करें वो आपसे बात करेंगे ठीक है जैसे कि मैं फ़ॉर एग्जांपल मुझे अब सही याद तो नहीं है इंडिया टुडे हाँ ये जो पाकिस्तान वगैरह के मैच लाइव चल रहे होते हैं किसी इंडिया का मैच चल रहा होता है आई का चल रहा होता है नीचे वो कमेंट्स लोग कर रहे होते हैं आ, लव फ्राम यू या और ऊपर नेम उसका होता है जी फॉर एग्जांपल आमिर शजाद समझ जाओ पाकिस्तानी और यूएसए एस में वहाँ से भेज रहा है कोई अच्छा कमेंट भेज रहा है अब जैसे कि मैं इंडिया टुडे के आ गया ठीक है चैनल पर सॉरी इनके पेज पे अब अल्लाह करे खुल जाए इनका तो अच्छा इंटरनेट का कोई इशू है ओपन नहीं और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हुई पड़ी है तो बस आपको यही बताना था ठीक है जी यही चीज़ है और इसी तरीके से आपने सारे बायर्स को ढूंढना है और यही टेक्निक है ये इंस्टाग्राम के लिए भी है ये ट्विटर के लिए भी है ट्विटर पे भी, भी आप कर सकते हो और यही चीज़ आपकी फ़ेसबुक के लिए भी है अब तक के लिए इतना ही है और मुझे कोई न्यू टेक्निक आएगी मैं बताऊंगा और मेरी ये सजेशन है कि आप फिलहाल जब तक आपको एक दो बायर्स नहीं मिल जाते आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ ही स्ट्रिक्ट रहें हाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी वगैरह को टारगेट करना है थोड़ा सा ट्विटर भी ज्वाइन कर लें और ढूंढ लें कुछ मिलता है तो ठीक है बज़ाह गोरों को मैसेज करने के जान पहचान के बगैर आप किसी पाकिस्तानी या इंडियन को करेंगे अप्रोच तो वो बहुत जल्दी आपसे जो है ना कोई ना कोई चीज़ ले लेगा और फिर उसके बाद आपको पूरी फैमिलीज़ की फैमिली, फैमिली क्यों क्यों देगा क्योंकि पता है क्या ये लोग वहाँ पर चीज़ें खरीदते हैं अपने पास जमा करते हैं ठीक है और पाकिस्तान भेज देते हैं एज ए गिफ्ट ठीक है तो ये बहुत होता है इस तरीके से मेरे पास कुछ पाकिस्तानी थे वो यही करते थे मैं यहाँ से उनको वॉचेस फ्री देता रहा देता रहा मेरे स्टूडेंट्स देते रहे उन्होंने जमा की और अपनी फैमिली को भेज दिए फैमिली वाले समझे वाह यार हमारे लिए इतनी चीज़ें आई है खाला के बेटे जिसको उसने ज़िंदगी में सलाम भी नहीं किया होगा उसके लिए वॉचस आ रही हैं ठीक है तो वो परेशान हो गया यार मेरे लिए वॉचेस आ रही हैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है तो अच्छा ये मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया अब मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकता अब आप लोगों को रिसर्च थोड़ी सी खुद करनी होगी एक बायर ढूँढना है दो बायर ढूँढने आपका सारा सेट हो जाएगा मैं आपको पहले बता रहा हूँ ओके अब तक कि इतना ही था तो बाकी और कोई स्ट्रेटजी मुझे न्यू आई तो मैं बताऊँगा ज़रूर